है। जैसे क्लास में हमने पांचवा और छठवा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पढ़ा था, ठीक है, आज दो और पढ़ेंगे, सेवेंथ और एट्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ना, सेवेंथ और एट्थ। चलिए, सेवेंथ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ओके, सेवन देखिए जल्दी हुआ, 86 में आपका हुआ था, 1986 में हुआ था सिक्स, और सेवन 2 साल बाद जस्ट हो गया, 19 दिसंबर 1988, है ना। ये भी कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। ये आपका सेवेंथ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आपका न्यू दिल्ली में 1988 में हुआ। सबसे पहले सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या सारा रिव्यू किया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं। फिर पहले फिफ्थ में जो आपका सिक्स में दिया गया था, फिफ्थ और सिक्स में जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन दिए गए थे, ओके, वो सब इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं पहले रिव्यू लिया जाता है, जब भी अब सेफ्टी कॉन्फ्रेंस नया हो रहा है तो। सपोर्ट प्लान के बारे में फिफ्थ सिक्स में ही बताया गया था कि सारे अंडरग्राउंड माइंस के जो मैनेजर हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, लॉन्ग वॉल हैंग रूफ साइट बैक के लिए, उसी को दोबारा दोहराया गया है ना, तो इसको अननेसेसरी डिस्कस नहीं करते। ये सारा चीज पिछले कॉन्फ्रेंस अभी हमने पढ़ लिया था कि 9 मीटर तक रहेगा, ट्रैमिंग लेवल में कैसा सपोर्ट रहेगा, जंक्शन में कैसा सपोर्ट रहेगा, लोडिंग पॉइंट में कैसा सपोर्ट रहेगा, ये सारा चीज आपका पिछले कॉन्फ्रेंस में भी था, उसी को दोबारा दोहराया गया, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, टिम्बर मैन की, ड्रेसर की, सरदार की, है ना, कि सप्लाई ऑफ मटेरियल किसका जिम्मेदारी, इरेक्शन विड्रॉल किसका क्या जिम्मेदारी, ये सारा चीज सपोर्ट प्लान में रहेगा। मैं क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है, सपोर्ट प्लान में क्या इंक्लूड नहीं है, तो क्या क्या बोला जाता है, तो ये सारे चीज सपोर्ट प्लान में रहता है। ठीक, एक तो ये हो गया, ये पिछले कॉन्फ्रेंस में इस सपोर्ट के बारे में यही सारी चीजें दिखी थी जो इसमें भी दिखा है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि सॉलिड ब्लास्टिंग में सिर्फ डिले एक्शन डिटोनेटर यूज करेंगे, ओके, ये सब था। अब एक यहाँ से आ रहा है कि जितने भी इंटरनल कम्बशन इंजन हैं उनमें क्या रहेंगे, फ्लेम अरेस्टर रहेंगे। मतलब मान लो डीजल ऑपरेटेड जो मशीन थे, लोको लोको सॉरी लोको बोलते थे ना, लोकोमोटिव जितने भी चलते थे उस समय, उसमें क्या बोला गया, जितने भी लोकोमोटिव चलते हैं उसमें क्या रहना चाहिए, फ्लेम अरेस्टर रहना चाहिए, है ना, और क्या रहना चाहिए, इनटेक शट ऑफ वाल्व विथ रिमोट कंट्रोल। ठीक है, जितने भी कम्बशन इंजन से चलते थे उनमें बोला गया कि फ्लेम अरेस्टर होना चाहिए, कि मान लीजिए आग लग भी गया तो वहीं फ्लेम अरेस्ट हो जाए, है ना। और क्या बोल रहा है, स्टडी शुड बी टेकन टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ फायर दैट अकर्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। ओके, जितने भी आग लगे हैं पिछले 5 साल में उन सब का स्टडी करने बोला गया, रिकमेंड किया गया कि जितना भी आग लगा है पिछले 5 साल में, जो भी कॉजेज ऑफ उसका अपन को कारण ढूंढना है ना। आग लगा ठीक है, उस समय आग बुझा दिए जो भी किए, या आग नहीं बुझ पाया तो कॉजेज को हमें डिटरमाइन करना है, ये रिकमेंड किया गया कि जो उसका कारण है उसे खोजिए, जो भी आग लगने का कारण है, ताकि भविष्य में वो दोबारा घटना ना हो सके। आ रिपोर्ट रिमेडियल मेजर्स टेकन शुड बी सबमिटेड हाफ ईयरली टू डीजीएमएस, और एक रिपोर्ट भेजे जिसमें आपने वो जो कारण ढूंढा उसका रेमेडियल मेजर्स क्या निकाला, मतलब उसके प्रति आपने क्या एक्शन लिया, उसका रिपोर्ट तैयार करके आधा मतलब 6 महीने के अंदर, हाफ ईयरली टू डीजीएमएस, है ना, आधा साल मतलब 6 महीने के अंदर डीजीएमएस को रिपोर्ट जमा करें, ये रिकमेंडेशन किया गया। नेसेसरी फैसिलिटीज टू मॉनिटरिंग एनवायरमेंट, से पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं माइंस में, उनको मॉनिटर करने के लिए फैसिलिटीज, नए नए फैसिलिटीज लाना है, ठीक है। अब जनरल सेफ्टी कल से सिर्फ डीजीएमएस वाले को जोड़ देंगे, कोई फैसिलिटीज ऑफ कंटिन्यूस टाइप मॉनिटरिंग शुड बी इंस्टॉल्ड विद इन 1 ईयर इन ऑल डिग्री 3 गैसी कोल माइंस, है ना। कंटिन्यूस टाइप मॉनिटरिंग सिस्टम जो भी है उसे 1 साल के अंदर क्या करना है, जितने भी डिग्री 3 गैसी कोल माइंस है उसमें इंस्टॉल करना है। और एक्टिव अंडरग्राउंड फायर कहाँ कहाँ इंस्टॉल करें, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो, अच्छा एक काम कर रहे हैं बिल्कुल, एक काम करते हैं, ये सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं डीजीएमएस वालों का, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा ना फिर सरदार वालों को भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन इनका सिलेबस कंप्लीट किया जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन रहेगा उस समय सरदार वालों को ऐड कर देंगे।
हाँ, तो जो कंटिन्यूअस टाइप मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या किया जाएगा, 1 साल के अंदर जो इंस्टॉल करना है, कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना है, Degree 3 mines में, ठीक है, एक्टिव अंडरग्राउंड फायर है वहाँ, और सीरियस प्रॉब्लम ऑफ हीट एज आइडेंटिफाइड बाई म्यूचुअल डिस्कशन बिटवीन माइन मैनेजमेंट DGMS, है ना, जहाँ सीरियस प्रॉब्लम है हीट का वहाँ जो आइडेंटिफाइड हुआ है माइन मैनेजमेंट और DGMS के द्वारा वहाँ, ठीक है। एवरी वर्कर स्पेशली पीस रिलेटेड लोडर शुड अंडरगो अप्रिशिएट ट्रेनिंग वेन एवर देर इज चेंज इन द नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। हर वर्कर क्या करेंगे, जहाँ पीस रिलेटेड लोडर हैं, पीस रिलेटेड लोडर स्पेशली जो है वहाँ क्या उनको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, अप्रोशिएट ट्रेनिंग दिया जाएगा। इन ऑयल माइंस ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स, हर ऑयल माइंस में क्या बोल रहा है, ट्राइपार्टाइट मीटिंग, अभी तक कोल माइंस के बारे में बोला गया था, अब यहाँ ऑयल माइंस के बारे में बोला गया है कि ऑयल माइंस में क्या किया जाएगा, ट्राईपार्टाइट मीटिंग किया जाएगा, जो कि 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने में आपका ट्राईपार्टाइट मीटिंग होना चाहिए, ओके। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही बोला गया था कि टेलीफोन वगैरह लगाना है। इन मेटली फेरस माइनिंग कंपनी में बोला गया कि ISO का गठन किया जाए, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन अप एट ऑल लेवल्स विद इन 6 मंथ, अभी तक कहाँ बोला गया था, कोल माइंस के बारे में, ISO के बारे में बताया गया था, अब यहाँ इस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में मेटल माइंस को भी ये रिकमेंड किया गया कि ISO का गठन किया जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन अप एट ऑल लेवल विद इन 6 मंथ, ठीक है। एक तो ये हो गया सेफ्टी इन ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में यदि सेफ्टी को देखा जाए तो ओपन कास्ट माइनिंग में सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए यहाँ कोड ऑफ ट्रैफिक रूल के बारे में बोला गया है ना, कोड ऑफ ट्रैफिक रूल बनाना है, जिसमें क्या बोला गया कि मूवमेंट ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सच कोड ऑफ ट्रैफिक शुड बी अप्रूव्ड बाय ट्राइपार्टाइट कमिटी, है ना। तो जितने भी HEMM जो हमारे माइंस में चल रहे हैं उनके लिए क्या बनाना है, ट्राफिक रूल बनाना है, और ट्रैफिक रूल किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, ट्राइपार्टाइट कमिटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रैफिक रूल को कौन अप्रूव करता है ना, ट्रैफिक रूल जो हम बनाते हैं उसको कौन अप्रूव करता है, तो ट्राइपार्टाइट कमिटी में भी अप्रूवल मिलना चाहिए ट्रैफिक रूल का। इस कंपनी ऑपरेटिंग मैकेनाइज्ड माइन शुड फ्रेम सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डंपिंग, है ना, जितने भी कंपनी है वहां ये बोला कि डंपिंग जो हमारा डंप यार्ड है ना, जहाँ हमारा मटेरियल डंपिंग हो रहा है वहाँ क्या बोल रहा है, वहाँ के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग से बनाइए, हमारा डंपिंग यार्ड है जहाँ मटेरियल डंप हो रहा है वहाँ क्या बोल रहा है, कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग से बनाइए डंप यार्ड के लिए, लोडिंग पॉइंट में सच कोड ऑफ प्रैक्टिस शुड बी अप्रूव्ड बाय ट्राइपार्टाइट कमिटी, है ना। डंपिंग यार्ड में घुसा डंपर तो वहाँ का कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग हो जाएगा कि डंपर घुसा तो वहाँ गति कम होगी, कितनी गति होगी, है ना, डंपिंग करेगा तो 3 मीटर पहले गिराएगा, फिर वहाँ डोजर धकेल करके उसे नीचे गिराएगा, बन का हाइट इतना रहेगा, ये सारा चीज कोड ऑफ प्रैक्टिस में डंपिंग किया जाएगा। द कोड ऑफ प्रैक्टिस शुड बी डेलिब्रेटेड फ्रेम्ड एंड अप्रूव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, द कोड शुड बी एनफोर्स इन ईच माइन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसको बोला गया कि 6 महीने के अंदर उसे अप्रूव किया जाए, फ्रेम किया जाए, है ना, और इन्फोर्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए 12 मंथ के अंदर अंदर, उस समय कोड ऑफ प्रैक्टिस ये सब नहीं चलता था, डंपिंग वगैरह का, गुड मॉर्निंग, डंपिंग वगैरह का ये कोड ऑफ प्रैक्टिस वही नहीं चलता था, तो ये बताया गया कि कोड ऑफ प्रैक्टिस जो भी है वो क्या बोल रहा है, 6 महीने के अंदर आप फ्रेम कीजिए और 12 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। द डिजाइन मेंटेनेंस ऑफ ऑल रोड इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन शुड बी लेड डाउन बाई ईच कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन, है ना। बाकी ये बोला गया कि जो आपका हॉल रोड है, जो आपका हॉल रोड है जिसमें HEMM चलते हैं, उसका डिजाइन और मेंटेनेंस किया जाए हर कंपनी में, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि हॉल रोड मतलब एक रोड जैसा बना दिए और उसमें चल रहे हैं, अच्छे से डिजाइन के साथ डिजाइन करके उसे मेंटेनेंस किया जाए, है ना। ईच कंपनी शुड इंश्योर दैट फॉर एवरी माइन आई स्कीम इज ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंट फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल एंड इरेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ HEMM, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंपनी को क्या करना है, एक स्कीम तैयार करना है जिसमें ये लिखा रहेगा, सर्जरी इसी 9 से 10 में नहीं हो सकता क्या, मैं अभी बाकी 1 हफ्ते का लाइव क्लास नहीं ले पाया। हाँ, इस वीक तो यही रहेगा, 9 से 10 ही रहेगा इस वीक, है ना, नेक्स्ट वीक फिर चेंज होगा, इस वीक 9 से 10 ही रहेगा, ओके।
और ये कब से 6 मंथ, मतलब ये जब, हाँ कब से 6 मंथ, मतलब जब ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 1988 में हुआ ना जिस तारीख को, उससे 6 महीने का डेडलाइन दिया गया कि उस 1988 में ये 20 तारीख को शायद हुआ था, है ना, तो वहां से 6 महीने का डेडलाइन दिया गया कि ये दिसंबर है ना, 20 दिसंबर, अब ये दिसंबर से 6 महीने का डेडलाइन दिया गया कि आप कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाइए और 12 महीने के अंदर उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, वो आप 6 महीने वाला जो आपसे बोल रहे, ठीक है, इस वीक आपका 9 से 10 ही मैक्सिमम, तो 9 से 10 ही रहेगा टाइम, ये हो गया मूविंग मशीनरी। जिसकी स्कीम और प्लेसेस सच एज रिपेयर शेड एंड वर्कशॉप, ठीक, अब क्या एक स्कीम तैयार करने बोला गया कंपनी को कि आपका जो HEMM होते हैं उनको इरेक्शन करना है, मतलब डंपर आता है माइंस में चलता है तो डंपर रोड में चल के तो आता नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, फिर वहां क्या करते हैं उसे पार्ट्स को जोड़ करके डंपर का रूप देते हैं, है ना, इरेक्शन करना क्या हो गया, डंपर मान लीजिए है तो ये रोड से चल के आएगा नहीं, अलग अलग उसके पार्ट्स, टायर्स अलग आएगा, कैनोपी अलग आएगा, है ना, उसका डाला अलग आएगा, केबिन अलग आएगा, फिर यहाँ वर्कशॉप में उसको जोड़ते हैं, तो उस समय ये बोला गया कि आप ऐसा स्कीम तैयार कीजिए कि आपको ये जो हॉल रोड ओवर इरेक्शन करने का जो है, HEMM पे इरेक्शन करने का अलग से जगह बनाए जो कि कवर प्लेस होना चाहिए, ठीक है, जिसको रिपेयर शेड वर्कशॉप भी बोलते हैं, ठीक, शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ HEMM, और अगर जरूरत पड़े इफ रिक्वायर्ड तो क्या HEMM और के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ एर्गोनॉमिक का यहाँ से शुरुआत हुआ कि ऑपरेटर केबिन का जो HEMM का जो ऑपरेटर केबिन है वो कैसा जो होना चाहिए, वेल डिजाइंड होना चाहिए एंड सस्टेनेबली बिल्ट सो एज टू इंश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द ऑपरेटर अगेंस्ट हीट डस्ट नॉइज एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ से क्या चालू हुआ आपका एर्गोनॉमिक जो हमने पढ़ा था, एर्गोनॉमिकली डिजाइन, यहाँ से हुआ कि आपका जो ऑपरेटर केबिन है HEMM का वो वेल डिजाइन होना चाहिए, ऑपरेटर को हीट से डस्ट से नॉइज ना लगे एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी टू द ऑपरेटर इन द इवेंट ऑफ ओवर टर्निंग ऑफ HEMM मशीनरी, और उसी समय क्या बोला गया ऐसा बनाया जाए ताकि मान लीजिए मशीन पलट भी गया, ओवर टर्न भी हो गया, पलट भी गया, तो ऑपरेटर कम से कम सेफ रहे, अ सीट बेल्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, सीट बेल्ट वगैरह लगाने बोला गया, ऑल ऑपरेटर्स ऑफ HEMM शुड अंडरगो रेगुलर चेक टू टेस्ट देयर ड्राइविंग स्किल नॉलेज एंड हेल्थ वंस एवरी 5 ईयर, जितने भी HEMM ऑपरेटर को है उनको रिकमेंडेशन किया गया कि हर 5 साल में आप अपना ड्राइविंग स्किल टेस्ट करवाएं और टेस्ट किया जाए, जो HEMM ऑपरेटर है उनका ड्राइविंग स्किल हर 5 साल में चेक किया जाए, सुटेबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन इन ईच कंपनी, है ना, हर कंपनी में क्या बोल रहा है कि सुटेबल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, है ना, आजकल तो और एडवांस हो गया है कि सिम्युलेटर के बारे में सुना होगा आपने, वो 3D विजन देता है और आपको एक सीट में बैठाएगा, उसमें लगेगा आप सच में ऑपरेट कर रहे हैं ना, सिम्युलेटर बोलते हैं उसको, अ सेपरेट फॉर्मेट फॉर राइटिंग स्टैचुरी रिपोर्ट बाई शॉर्ट फायर, है ना, जो रिपोर्ट राइटिंग आपने पढ़ा होगा, ये शॉर्ट फायरर वगैरह, ब्लास्टर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, है ना, इनका जो रिपोर्ट राइटिंग के लिए सेपरेट फॉर्मेट का यहाँ से रिकमेंडेशन आया, जो आजकल सरदार ओवरमैन का जो रिपोर्ट राइटिंग रहता है ना, तो उसका यहाँ से रिकमेंडेशन आया कि अलग से आप फॉर्मेट दीजिए शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, और उनको सर्कुलेट कीजिए, है ना, सर्कुलेट कीजिए अर्ली कम से कम, ओवरऑल को ही एर्गोनॉमिक कहते हैं, हाँ एर्गोनॉमिक मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑपरेटर को कंफर्ट देना, है ना, हमारा जो भी मशीन है HEMM, इतने बड़े बड़े मशीन है, उनको ऐसे वेल डिजाइन करना कि ऑपरेटर का होल बॉडी वाइब्रेशन ना हो, नॉइज ज्यादा ना हो, डस्ट ना पड़े, ऑपरेटर जो बैठे तो उसका मतलब पोस्चर इतना अच्छा रहे कि उस कंफर्ट में बैठे, कि नहीं कि कहीं टिक कर बैठा है या बहुत ज्यादा झटका मार रहा है, तो इर्गोनॉमिकली डिजाइन में ये सारी चीजें आ जाती है। कोड ऑफ प्रैक्टिस भी बनाना है हमें फॉर डीलिंग विथ फायर्स, आग मान लीजिए HEMM में लग गया तो उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस हमें बनाना है, टोटली 11 है ना, 8 आज हो गया, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो अब जो आएगा वो क्या है, हमारा नया नया आएगा तो
मतलब पढ़ा पढ़ा आएगा तो समझ वो आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। ये सातवां हम पढ़ रहे हैं, ठीक, सॉरी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सातवां पढ़ रहे हैं, ठीक, सेवन्थ। प्रैक्टिस शैल बी ड्रॉन ऑफ फॉर डीलिंग विथ फायर, ठीक है, जो आग लग जाता है उसको डील करने के लिए सीओपी अलग से बनाना है। एट डिफरेंट लोकेशन इन ओपन कास्ट में, आग कहाँ कहाँ लग सकता है ओपन कास्ट में, HEMM में लग सकता है, डंपर चल रहा है, डंपर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गया। ओपन कास्ट में और कहाँ आग लग सकता है, आपका डंप यार्ड है, कोयले का जो यार्ड है, कोयले का यार्ड है, आप स्पॉन्टेनियस हीटिंग से आग लग सकता है। तो यही बोल रहा है कि जो आग से आप डील करेंगे उसका सीओपी अलग से बनाना है। अरेंजमेंट फॉर फायर फाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑन HEMM मशीन, जितने भी HEMM मशीन होते हैं उनके लिए अरेंजमेंट फायर फाइटिंग का अलग से करना है ना। इफ पॉसिबल ऑपरेट ऑटोमेटिकली ऑन अपीयरेंस ऑफ फायर, है यहाँ AFDS के बारे में नहीं बोला गया, जो अभी हम जानते हैं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, तो वहाँ ये बोला गया यदि पॉसिबल है तो ऐसा फायर प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ लगाना है जो ऑटोमेटिकली काम करे, अपीयरेंस ऑफ फायर, आग लगे तो ऑटोमेटिकली काम कर जाए। एफिशियंट लाइटिंग अरेंजमेंट नॉट बिलो द स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग पढ़ते हैं उससे कम स्टैंडर्ड का लाइटिंग नहीं होना चाहिए, एफिशियंट लाइटिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ HEMM शुड बी एग्जामिन पीरियोडिकली बाय एन इंडिपेंडेंट टीम ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, जो HEMM है, जो HEMM है उसका बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उसको अलग से इंडिपेंडेंट टीम ऑफ एक्सपर्ट से क्या करना है, एग्जामिन करवाना है। सच एग्जामिनेशन में भी इनवेरेबली बी मेड एवरी मेजर रिपेयर ऑफ HEMM, ठीक है, अगर कुछ बड़ा HEMM का कुछ बड़ा रिपेयर हुआ है उसके बाद ये सारा इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर वर्क और कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी वाले जो वर्कर होते हैं उसके बारे में बोला गया कि डिस्कस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बाय द ट्राई पार्टाइट कमिटी ऑफ ईच कंपनी फॉर फाइंडिंग आउट वेज एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सीडेंट टू वर्कर्स एम्प्लॉयड बाई कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर का चलन चालू हो चुका था तो वहाँ ये बोला गया कि 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड दिया गया कि उसमें ट्राई पार्टाइट कमिटी फाइंड आउट करें कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में एक्सीडेंट ज्यादा होता है, उनके ऊपर टारगेट का प्रेशर रहता है, इतना ट्रिप मारना है ये वो, है ना, तो उनको ऊपर प्रेशर रहता है, तो वो उस प्रेशर के कारण थोड़ा तेज चलते हैं या जो भी है, तो उस कारण से उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यहाँ उनके लिए ये रिकमेंड किया गया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस माइनिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो देर इज अ नीड फॉर क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस इन ईच माइनिंग कंपनी, है ना, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस होता है हर एक माइनिंग कंपनी में, उसमें क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बोला गया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस शैल हैव सफिशियंट टेक्निकल पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस देते हैं, है ना, कि हमारे ऑक्यूपेशनल सर्विस में क्या होता है, आप वर्क प्लेस में जाया जाता है और वहाँ का कंडीशन देख के बताया जाता है कि इस कंडीशन में माइंस वर्कर्स को कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, है ना, तो एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा, है ना, एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें क्या लिखा रहेगा, दे शुड एज फार एज पॉसिबल कीप देमसेल्फ अप टू डेट विद प्रोग्रेस इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज जैसे टू परफॉर्म द ड्यूटीज। वो जो नया नया टेक्निक आ रहा है, नया नया साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये बोला जो इसमें ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, है ना, उनको क्या करना है, अप टू डेट रहना है कि नया टेक्नोलॉजी आया तो उससे अप टू डेट रहना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज शैल कैरी आउट द फॉलोइंग फंक्शन, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस करते हैं उसमें क्या क्या फंक्शन होता है ये देखिए, है ना, क्या होता है, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क फ्रॉम हेल्थ हजार्ड एट वर्क प्लेस। वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज एक टीम होती है, क्या करती है, जो वर्क प्लेस में जाकर क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और असेसमेंट करती है कि हजार्ड हेल्थ से रिलेटेड कोई रिस्क तो नहीं है ना, कि ज्यादा डस्ट तो नहीं है जिससे वर्कर्स को कुछ बीमारी हो जाए, न्यूमोकोनियोसिस हो जाए, ये सारा चीज वहां जाके, नॉइज तो नहीं, तो आपका ईयर प्रोटेक्शन का जरूरत तो नहीं है, ये सारा चीज किसका काम है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का काम है। ओके, वो वर्क प्लेस में जाकर ये सारा चीज खोजती है कि कहीं ऐसा कंडीशन तो नहीं है कि वर्कमैन को कोई बीमारी हो जाए। सर्विलेंस ऑफ द फैक्टर इन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वर्क प्रैक्टिस विच में अफेक्ट वर्कर्स हेल्थ, है ना, वो सारे फैक्टर्स को खोजती है, सर्विलेंस करती है जो
वर्किंग एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स को खोजती है जिससे वर्कर्स के हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है। सर्विलेंस ऑफ वर्कर्स हेल्थ इन रिलेटिंग टू वर्क, वर्क से रिलेटेड कोई से हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। एजुकेशन, एजुकेशन देती है वर्कर्स को, ठीक है, एक तो खोजती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और एजुकेशन ऑफ वर्कर्स ऑन सिचुएशन क्लीनलीनेस हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, सैनिटेशन, सॉरी सैनिटेशन, वर्कर को एजुकेट करती है कि आपका वर्क प्लेस साफ सुथरा होना चाहिए, सैनिटेशन सही होना चाहिए, वहाँ हाइजीन होना चाहिए और हेल्थ केयर होना चाहिए ना। ऐसा वर्क प्लेस ना हो कि जहाँ गंदगी हो और वहीं काम कर रहे हैं, तो सारा एजुकेशन भी देती है वर्कर्स को। कोलैबोरेटिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है, एजुकेशन देती है, किसमें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड सारा एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन देगा, और ये बताएगा इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में बताएगा और एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताएगा कि आपका मशीन वगैरह है अगर इसमें ये प्रॉब्लम होगा तो आप उसको एर्गोनॉमिकली डिजाइन मशीन्स का डिमांड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट एड इन माइंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग ऑफ, ओके, फर्स्ट एड को इम्प्रूव करेगा, ट्रेनिंग देगा फर्स्ट एड से रिलेटेड, रिट्रेनिंग देगा फर्स्ट एड को, है ना। ये फर्स्ट एड में मतलब क्या, छोटा मोटा किसी को चोट लग गया तो जो इनिशियल चिकित्सा दिया जाता है उसको। प्रिपेयरिंग अ क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल हाइजीन इन माइंड ऑफ द कंसर्न कंपनी, द क्वार्टरली रिपोर्ट शुड इन्फॉर्म द मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, ये क्वार्टरली क्या करेगा, हर 3 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस क्या करेगा, हर 3 महीने में एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिसमें सारा कुछ लिखा रहेगा कि हेल्थ और इंडस्ट्रियल हाइजीन कैसा है, हाइजीनिक है कि नहीं जगह, है ना। क्वार्टरली रिपोर्ट में और क्या क्या रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कितने हुए, नोटिफाइबल डिसीजेस कितने मिले, स्टेटस ऑफ फर्स्ट एड, रिजल्ट ऑफ सर्विस ऑफ एयर बॉन्डर्स, एयर बॉन्डर्स का कैसा है, नॉइज कैसा है, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ एयर के बारे में बताया जाएगा कि सही क्वांटिटी में हवा है कि नहीं, सैनिटेशन साफ सुथरा है कि नहीं वर्क प्लेस, नहीं सारा रिपोर्ट में रहेगा। द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल सर्विस वर्कर शुड बी मेंटेन रेगुलरली, जो रिपोर्ट है उसको मेंटेन, पीएमई का रिपोर्ट को मेंटेन करना है ना। और क्या है, उस समय फिर कंप्यूटर आ गया था, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा वुड बी डिजायरेबल। अब पीएमई जो हो रहा है उसका रिकॉर्ड को रजिस्टर में के साथ साथ कंप्यूटर में भी करने के लिए रिकमेंडेशन किया गया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज शैल बी हेडेड बाई सीनियर ऑफिसर, ठीक है, सीनियर ऑफिसर उसका हेड होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का। ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन शुड बी अ मेंबर ऑफ सेफ्टी कमिटी, ठीक है, सेफ्टी कमिटी एक मेंबर ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन भी होना चाहिए ताकि वो मीटिंग में कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एजुकेशन ऑफ वर्कर्स, है, मीटिंग में ये सारा हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें डिस्कस हो सके, इसलिए सेफ्टी कमिटी का एक मेंबर ये भी होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एवरी मैकेनाइज माइंड शुड इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रिपेयर अ स्कीम फॉर, एक स्कीम तैयार करेगा मैनेजमेंट, है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए एक स्कीम तैयार करेगा मैनेजमेंट। वो क्या करेगा, वो स्कीम में क्या क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज वेयर फैक्टर्स व्हिच आर हजार्डस टू हेल्थ ऑफ पर्सन एट वर्क एग्जिस्ट और मे अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, ऑपरेशन को और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा जो कि वर्कर्स के हेल्थ के लिए हजार्डस हो। मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ वर्लीज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स विच में अफेक्ट हेल्थ ऑफ पर्सन, ठीक है, अलग अलग फैक्टर को मॉनिटर करेगा जो कि हेल्थ अफेक्ट करेगा, पर्सन के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, उसके अलग अलग लेवल्स को, डिफरेंट फैक्टर्स को मॉनिटर करेगा। स्पेसिफाइंग द वेरियस कंट्रोल मेजर्स नेसेसरी फॉर कीपिंग द लेवल्स वैल्यूज विद इन द परमिसिबल लिमिट, है ना, ये जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं उसको परमिसिबल लिमिट में रखने के लिए वेरियस कंट्रोल मेजर्स तैयार करेगा। जैसे आपका साउंड है, ऑडियो जो है वो 85 dB रखने के लिए वो किया जाएगा, है ना, और आपका डस्ट को कम कर रखने के लिए वो सारे कंट्रोल मेजर्स किए जाएंगे। हेल्थ सर्विलेंस मतलब हमेशा नजर रखा जाएगा हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाएगा, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो सारा चीजें वही वही चीजें हेल्थ सर्विस में
स्कीम बनाया गया ना, स्कीम में ये सारी चीजें हैं। द अबव स्कीम शुड क्लियरली स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग। मतलब इसमें ये सारा स्कीम में लिखा रहेगा किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं हेल्थ सर्वे करने के लिए, कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिनों के अंदर एग्जामिनेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग कैसा दिया जा रहा है, टाइप ऑफ एजुकेशन कैसा दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा आप कैसे डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पर्सन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। और अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्कीम में लिखा रहेगा कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ एवरी मैन शुड इंश्योर दैट ऑल माइन वर्कर्स आर गिवन बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, है ना। ये इंश्योर करेगा मैनेजमेंट कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम फर्स्ट एड का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए। होल्डर्स ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आर गिवन रिफ्रेशर ट्रेनिंग वंस इन 2 ईयर। 2 साल में क्या किया जाएगा, जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का, उसको 2 साल में ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, है ना। तो आप बनाते भी हो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो उसको क्या किया जाता है, हर 2 साल 3 साल में, एक लाइफ टाइम का लास्ट बनता है ना, पहले 3 साल का, फिर 5 साल का, फिर लाइफ टाइम, ऐसा कुछ है। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फर्स्ट एड। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है वो फर्स्ट एड में एकदम माहिर होना चाहिए, है ना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, माहिर होना रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है। एम्बुलेंस वैन्स आर फुल्ली इक्विप्ड विथ लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन एंड अप्लायंसेस नीडेड इन इमरजेंसी। जो एम्बुलेंस हम तैयार रखेंगे माइंस के आसपास, हॉस्पिटल आसपास है तब तो हॉस्पिटल में ही रहता है, अगर हॉस्पिटल दूर है तो माइंस में एक एम्बुलेंस भी रहता है। तो जो एम्बुलेंस रहेगा वो क्या होना चाहिए, फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए लाइफ सेविंग ड्रग्स से ना, किसी को कुछ मतलब कम से कम ऑक्सीजन वगैरह जो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्मॉल मैकेनाइज्ड माइंस, स्मॉल मैकेनाइज्ड माइंस के बारे में ये चीज पिछले कॉन्फ्रेंस में भी था कि स्मॉल मैकेनाइज्ड माइंस में ये हेल्थ सर्वे के लिए अलग से टीम नहीं बन पाती है ना, तो कॉमन फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ सच फैसिलिटीज स्पेशली नीडेड फॉर एस्बेस्टस मैग्नेटिस मैग्नीज एंड माइका माइंस, ये सब सारी चीज तो ऊपर भी थी। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन माइनिंग इंडस्ट्री बाई प्रीवियस बाई प्रोविजन ऑफ वेल प्लान हाउसिंग कॉलोनीज प्रोवाइडेड ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। ठीक है, ये हाइजीन और कैसे बढ़ाया जा सकता है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको अच्छा कॉलोनी प्रोवाइड करना चाहिए सारे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, ये था 7th। अगला क्या है, 8th। ठीक है, 8th में क्या है, रिव्यू ऑफ स्टेटस। 8th आपका हुआ 1993 में, ठीक है, 1993, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, 14-15 मई 1993 में हुआ। 8th में क्या बोला गया, रिव्यू जो पिछला कॉन्फ्रेंस हुआ उसका रिव्यू लिया गया कि वो इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, हाँ कितना इम्प्लीमेंट हुआ। और अगला क्या है, नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल पैरामीटर मीथेन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो भी है मॉनिटरिंग के लिए, उनके बारे में बात किया गया इसमें, है ना। स्टार्टिंग कैसे किया गया, ये मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूअस टाइप मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए बोला गया विद इन 2 ईयर्स इन ऑल डिग्री 3 गैसी माइंस और अंडरग्राउंड एक्टिव अंडरग्राउंड फायर। ठीक है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ भी बोला गया, तो लेकिन यहाँ क्या बोला गया, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के लिए ऐसा सिस्टम हम लगाया, जैसे लोकल लोकल मीथेन डिटेक्टर, है ना, ये सारा चीज अब लाइफ टाइम नहीं बनता है। ठीक है, कुछ कुछ रूल चेंज हुए हैं अब फर्स्ट एड से रिलेटेड, पहले जो था वो बता रहा था मैं कि 3, 5 और लाइफ टाइम ऐसे कुछ होता था। बाकी अब नए नए, हाँ जैसे इन्होंने निपसैम बताया, बहुत सारे प्राइवेट भी फर्स्ट एड के लिए हो गया है, आप वहां से प्राइवेट से भी कर सकते हैं। ओके, तो गैसी 3 माइंस और अंडरग्राउंड फायर में तो ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ही है, ये रिकमेंडेशन किया गया। इन माइंस वेर लॉन्ग और आर्डर स्ट्रगल इज इन्वॉल्व अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन शुड बी मेड। यहाँ अभी तक मैन राइडिंग के बारे में नहीं बताया गया, बस बोला गया कि जहाँ लंबा दूरी तक है वहां आपको ये ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ अरेंजमेंट करना है। अ कोड ऑफ अ कोड ऑफ प्रैक्टिस शैल बी ड्रॉन अप फॉर डीलिंग विद फायर्स एट डिफरेंट लोकेशन इन ओपन कास्ट माइंस। कोड ऑफ प्रैक्टिस फायर्स के लिए ये पीछे पिछले कॉन्फ्रेंस में ही बोला। टू वॉच द कंप्लीट वीडियो डाउनलोड द माइनिंग ज्ञान ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर।
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.